इंसान का यूं तो नेचर से गहरा वास्ता है, लेकिन जब बारिश होती है तो लोगों का मिजाज बदल जाता है, और बदले हुए मिजाज में भोपाल की सड़कों पर निकलना, ख़ास तौर पर झीलों के किनारे घूमना एक सुखद एहसास होता है। तो आज हम आपको बारिश के इसी मौसम में भोपाल के बड़े ताल की सैर कराते हैं, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं रविंद्र भवन रोड पर, यहाँ से हम सीधे जाएंगे पॉलिटेक्निक चौराहे और वहाँ से सीएम हाउस होते हुए बड़े तालाब की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बड़े तालाब पहुँचना हो तो आप कहीं से भी पहुँच सकते हैं, बस भोपाल पहुँच जाइए, किसी से भी पूछिए, आपको बड़े तालाब का रास्ता बता देगा। राजा भोज तालाब बहुत खूबसूरत तालाब है, इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें बताएंगे और इसकी सैर कराएंगे। इस वक्त हम हैं रविंद्र भवन रोड पर और यहाँ से बहुत पास बड़ा तालाब पड़ता है, यहाँ से सीधे पॉलिटेक्निक चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहे से सीएम हाउस होते हुए सीधे हम बड़े तालाब पहुंचेंगे। तो चलते हैं बड़े तालाब की ओर। भोपाल और नैनीताल दोनों में कोई फर्क नहीं है, भोपाल नैनीताल से कम नहीं है। अब हम पॉलिटेक्निक चौराहा आ गए हैं और यहाँ से सीधा आगे बढ़ेंगे और कुछ ही देर बाद हमें बड़े तालाब के नज़ारे देखने को मिलेंगे। बड़ा तालाब कहते हैं कि इसे राजा भोज ने बनवाया था, भोपाल तालों की नगरी है और यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े तालाब हैं, तलैयाएँ हैं और ये नज़ाकत नफासत का शहर है, गंगा जमुनी तहजीब का शहर है ऐसा कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं सामने, ये मुख्यमंत्री निवास की ओर रास्ता जाता है और मुख्यमंत्री निवास के ठीक बाजू से बड़े तालाब के लिए रास्ता जाता है। इस तरफ सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है और कुछ देर बाद आपको सीएम हाउस मिलेगा, सीएम हाउस भी दिखाएंगे हम कि भोपाल में जो सीएम हाउस स्थित है वो किस तरह दिखता है। ये पॉलिटेक्निक चौराहे से हम ऊपर की ओर चढ़े हैं और एक तरफ मानस भवन है, कुछ सरकारी कार्यालय यहाँ पर बने हुए हैं, क्रिस्प का ये सेंटर आपको दिखाई देगा। देखिए कैसे बच्चे यहाँ पर, स्कूली बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो स्कूल से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अब हम मुख्यमंत्री निवास के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे कि सामने मुख्यमंत्री निवास है। यदि आप कभी भोपाल नहीं आए हैं तो देख लीजिए, पॉलिटेक्निक चौराहे से ठीक थोड़ा सा आगे मुख्यमंत्री निवास है, यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं। पौश इलाका कहा जाता है इसे, श्यामला हिल्स इलाका कहा जाता है, बहुत खूबसूरत ये इलाका है और यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास स्थित है। इससे पहले हम पॉलिटेक्निक चौराहे से आगे बढ़े थे तो आपको और भी मुख्यमंत्री निवास के नज़ारे दिखाएंगे और उसके ठीक बाद वोट क्लब पड़ेगा जो कि बड़े तालाब के किनारे पर स्थित है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बड़े तालाब की ओर रुख करते हैं। तो अब हम मुख्यमंत्री निवास के बिल्कुल करीब आ गए हैं, इस तरफ ओम भैया मोड़िए आप गाड़ी, और ये मुख्यमंत्री निवास है, श्यामला हिल्स चीफ मिनिस्टर हाउस है और काफ़ी पुराना ये घर है, यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं और इस मुख्यमंत्री निवास ने अनेक मुख्यमंत्री यहाँ पर देखे, दिग्विजय सिंह को देखा, अर्जुन सिंह को देखा, अब शिवराज सिंह को देख रहे हैं, इससे पहले उमा भारती को देखा और बाबूलाल गौर को देखा। तो मध्य प्रदेश की राजनीति का ये केंद्र है, शिवराज सिंह चौहान फिलहाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इस तरफ भारत भवन एक तरफ बना हुआ है, भारत भवन के जस्ट अपोजिट है मुख्यमंत्री निवास। और अब यहाँ पर दादाजी धुनीवाला दरबार आ गया है, ये दरबार काफ़ी प्रसिद्ध दरबार है और चलते हैं दादाजी धुनीवाले दरबार से शुरुआत करते हैं। बड़े तालाब का नज़ारा यहाँ से शायद बहुत खूबसूरत दिखाई दे, तो चलते हैं दादाजी धुनीवाला दरबार। तो अब हम मुख्यमंत्री निवास के करीब दादाजी धुनीवाला दरबार के पास उतर गए हैं। पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास है, ये पूरी जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री निवास की बाउंड्री है और ये जो रोड आ रहा है मुख्यमंत्री निवास के ठीक बगल से यहाँ से नीचे उतर रहा है और ये नीचे उतरते हुए आगे वोट क्लब की तरफ चला जाएगा। देखिए शाम का समय है और लोग घूमने के लिए यहाँ पर वोट क्लब की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर दादाजी धुनीवाला दरबार, ये बहुत अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है और यहाँ से बड़े तालाब का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो देखते हैं यहाँ से किस तरह से बड़े तालाब के नज़ारे दिखाई देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत, देखिए
बारिश का सीजन है, बारिश में प्रकृति लहलहाती है, प्रकृति मुस्कुराती है, प्रकृति खिलखिलाती है, और प्रकृति को यदि करीब से देखना है तो भोपाल के बड़े तालाब में आपको आना पड़ेगा। ये वही जगह है जहाँ से पूरा भोपाल ताल, भोजपाल तालाब, बड़ा तालाब बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो दादाजी धूनी वाले दरबार के पास हम आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। आह देखिए, यहाँ से आप देखेंगे बड़े तालाब को, ये चट्टाने हैं, यहाँ पर लोग बैठते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। तो हम भी यहाँ पर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छा समय भी है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, शानदार अनवरत हवा चल रही है। और ये पूरा तालाब, इसका विस्तार देखिए आप, कितना बड़ा ये तालाब है। देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल भोपाल, और भोपाल आए तो जरूर देखें ताल, बड़ा तालाब। यहाँ देखिए, ये मध्य प्रदेश की पहचान, ये मध्य प्रदेश की कैपिटल का वो प्लेस जहाँ पर आकर लोगों का दिल खुश हो जाता है, आशाएं और उमंगें हिलोरे लेने लगती हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट साइड आप देखेंगे एक झरना, बहुत खूबसूरत झरना ऊपर से नीचे बहते हुए। तो यही तो आनंद है, यही वो क्षण है जिसको जीने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए भोपाल को जीता जागता शहर कहते हैं, कि भोपाल लहलहाता है, लोगों के दिल मुस्कुराते हैं, और यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा, और ख़ास तौर पर जब बारिश का मौसम हो तो फिर बात ही निराली हो जाती है। ये भोपाल का वो स्थान है जहाँ पर आने के बाद यात्रा अविस्मरणीय हो जाती है। ये रास्ता वोट क्लब की तरफ जाता है, आगे वन विहार है, मानव संग्रहालय है, जीवन वाटिका है जिसमें म्यूजिकल फाउंटेन है, वोट क्लब है, फूड जोन है। तो यहाँ पर आकर हर तरह का आनंद लिया जा सकता है। और अब इसके जस्ट सामने झरना, कलकल बहता झरना, बहुत ही खूबसूरत झरना ये है, और ये यूं ही बहता रहता है, आँखों को इसी तरह से तरोताज़ा करता रहता है। तो आइए बड़े तालाब के कुछ और नज़ारे आपको दिखाते हैं। कुछ लोग हैं जो बड़े तालाब पर बारिश के बीच भी खड़े हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से आ रहे हैं हम जी। किसने बताया था कि यहाँ घूमना चाहिए? यहाँ सारी किताबों में मैंने पढ़ा है जैसे। अच्छा, हाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप भी राजस्थान से आए हो? हाँ। क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ का माहौल, यहाँ की रहन सहन। बारिश के सीजन में यहाँ घूमने का मजा ही अलग है। बहुत मजा है यहाँ पर बोटिंग। नहीं, हम यहीं पर रहते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आए थोड़े दिनों के लिए। यहाँ पर बोटिंग भी अच्छी है, वन विहार भी है, और सैर सपाटा बहुत अच्छी अच्छी जगह है, पीपल्स मॉल है जैसे। तो नैनीताल का बहुत नाम है, भोपाल और नैनीताल में कोई अंतर दिखता है? नहीं, वहाँ पर अभी गए नहीं, लेकिन अब जाएंगे अब। अच्छा, यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए। भोपाल भी कम नहीं है? भोपाल भी कम नहीं है, बहुत अच्छी सिटी है। चलिए, बहुत अच्छी सिटी। पानी शुरू हो गया है। हाँ देखिए, पानी शुरू हो गया, लोग अब भरपूर आनंद ले रहे हैं। और ये अब देखिए, जब पानी गिरता है, हवाएं चलती हैं, तो यहाँ की लहरें समुद्र की तरह नज़र आती हैं। दीपक जी हमारे साथ हैं, कैमरामैन हैं, और कितनी तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है, और यहाँ की लहरें देखिए समुद्र की तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ की लहरें और यहाँ का विस्तार आप देख सकते हैं। काफ़ी तेज़ हवा है और पानी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन इसी मौसम का तो मज़ा लेते हैं लोग। बड़े तालाब के जस्ट किनारे पर हम हैं, देखिए कैसे इन हवाओं के कारण पानी में लहरें उठ रही हैं, और ये लहरें किसी छोटे समुद्र की तरह नज़र आती हैं। और इस तालाब का विस्तार देखिए आप, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, यहाँ से पूरा भोपाल नज़र आता है। सामने आप देखेंगे तो भोपाल नज़र आएगा आपको, भोपाल किस तरह दिखता है ये यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि भोपाल की खूबसूरती गोवा हो, नैनीताल हो, इनसे कहीं कम नहीं है।
तो ये नज़ारे देख लिए आपने, अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे भी बहुत कुछ है जो आपको हम दिखाएंगे। बारिश शुरू हो चुकी है, बाहर शूट करना अब इतना आसान नहीं है। ओम भैया थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाइए, देख रहे हैं हम ऐसा ऐसी जगह देखने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर खड़े होकर शूट कर सके। ये इस तरफ आप देखेंगे होटल रंजीत लेक व्यू है, ये एक होटल है यहाँ पर, और जिन सैलानियों को तालाब देखते हुए स्टेइंग का आनंद लेना है तो वो रंजीत लेक व्यू आते हैं। और अच्छी खासी बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पर, एक तरफ बड़ा तालाब है, दूसरी तरफ पहाड़ी है, बहुत खूबसूरत सी जगह है ये। तो देखिए आप, अब बारिश तेज़ होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग घूमने निकले हुए हैं। अरे वाह, स्टॉल्स के नीचे खड़े होकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये देखिए आप, ये बारिश में निकलना है तो फिर पानी से बचने के बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा। अब लोग निकले तो हैं लेकिन पानी तेज आ गया, बारिश का सीजन है, कभी भी पानी तेज आ सकता है, कम हो सकता है। यहाँ पर देखिए बचने की कोशिश कर रहे हैं लोग पन्नियों के अंदर खड़े होकर। ये बड़े तालाब का नज़ारा तो देख ही लिया, पानी में भीग भी लिए। बारिश का यही, इसे सितम मान लीजिए या इसे मौसम का मजा मान लीजिए। बता बता भाई, क्या बोले हम, क्या बोलोगे आप बताइए। भुट्टा खा लो आप, बोलने में मजा आ रहा है। एक नंबर भुट्टा है। अच्छा, ये बाजी की थोड़ी देखी है, एक नंबर बनाती है। कहाँ से आए हो? ये कबीरपुरा शाहजहानाबाद कच्ची मस्जिद। आज कैसे मन हो गया यहाँ निकलने का? रोज आता हूँ मैं तो। अच्छा, रोज आते हो? क्यों? ऐसे ही बस दिल यहाँ पर चाहता है, यहीं पर ही घूमने का। स्कूल वगैरह नहीं जाते? अरे स्कूल जाते हैं, जब भी तो इतने फ्री हैं, जब भी तो घूमते हैं। अच्छा, स्कूल के बाद? स्कूल के बाद लेते हैं, बड़े 12 बजे के बाद बस घूमना फिरना। वैसे अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता? लड़की है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुमने बता दिया, वही अच्छा लगता है। वही देखने आते हो? बस हो गई, कर लिया आज। आज कुछ नहीं करा, बस भुट्टा। नंबर 120 नंबर देखते हो? हमको 25 साल हो गए यहाँ पे। कहाँ से भुट्टा लेके आए? मंडी से। मंडी से जी। पड़ जाता है? अच्छा, कमाई हो जाती है? हाँ, 200-400 रुपए मिल जाते हैं हमको। अच्छा जी। बारिश में कुछ ज्यादा भीड़ हो जाती है? हाँ, बारिश में पब्लिक आती है घूमने के लिए। अच्छा, तालाब देखने आती है, पानी देखने आती है, सब घूमने आते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ कैसे आप भुट्टा सेकते हो? ये सब मिल जाता है, स्टेट से लेने लगते हैं, सस्ता मिलता सस्ता बेचते हैं, महंगा मिलता महंगा बेचते हैं। अच्छा, बनाते कैसे आप? 30 रुपए। अरे केवल में सेकते हैं सर? केवल? हाँ, ये लकड़ी लेके आते। अच्छा लगता है इसमें केवल है, और लकड़ी के साथ में जलता अच्छा कच्चा सिकता है। हाँ, इसका ज्यादा स्वाद करते हैं पब्लिक यहाँ पे, बोलते इसके भुट्टा खाने आते हैं। अच्छा। हाँ, लकड़ी वाला, लकड़ी और केवल। हाँ, इसमें नमक का मसाला मिलाते हैं, ज्यादा टेस्टी लगता है। नमक मिलाते हैं, मिर्ची मिलाते हैं, जीरा मन मिलाते हैं। वोट क्लब आप आएंगे तो यहाँ पर फूड स्टॉल्स हैं, भुट्टे की दुकानें, सब कुछ आपको मिलेगा, खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर चाट इस समय बन रहा है, और जो चाट के शौकीन हैं, पकोड़े के शौकीन हैं, उनके लिए तो यहाँ पर भरमार है। बारिश के सीजन में गरम गरम खाने, देखिए ये पानी पूरी, फुल्की भी कहते हैं इसको, दही पूरी, छोले टिकिया, सब यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, 5 बताओ जरा। देखिए 5 प्रकार का पानी, ये किस तरह की फुल्की है? ये नॉर्मली फुल्की होती है, लेकिन फ्लेवर अलग अलग है। कितने फ्लेवर हैं? 5 फ्लेवर है। अच्छा, किस किस तरह का फ्लेवर है ये? रेगुलर फ्लेवर, हाजमा, लहसुन, हींग, खट्टा मीठा। खोल के दिखाओ जरा, क्या है देखो? ये रेगुलर, रेगुलर ये हाजमा, हाजमा, लहसुन, लहसुन, हींग, हींग, खट्टा मीठा। ये पानी आप देखेंगे और आपका
पानी पूरी खाने का मन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए देखो आप चारों तरफ लोग हैं, अलग अलग फ्लेवर की फुल्की यहाँ पर मिलती है। ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है खट्टा मीठा, लिख के भी रखा है इन्होंने। पांच पांच प्रकार के पानी है यहाँ पर, जिस तरह का स्वाद आपको चाहिए यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर चटोरी गली भी बहुत प्रसिद्ध है, तो खाने पीने के लोग काफ़ी शौकीन है। स्वराज रीडिश, रीडिश आती है दूरदर्शन, उसमें 120 नंबर देख रहे हैं। पानी ये देखो, ये दर यहाँ पर एक पुराना रेलवे इंजन भी लगाया गया है सैलानियों के आकर्षण के लिए। देखिए भारतीय रेल की संपत्ति है, काफ़ी पुराना लग रहा है ये, पुराना हिल स्टेलियन ये इंजन है, कोयले से चलाया जाता था ये। यहाँ पर वोट क्लब पर स्थापित किया गया है, काफ़ी अट्रैक्शंस हैं लोगों के लिए। और उधर एक गिटार भी आपको दिखेगा, देखिए पीछे गिटार है, गिटार लगाया गया बारिश के सीजन में खाने का आनंद। अरे वाह, इस तरफ देखिए बतख, बतखों की संख्या देखिए, काफ़ी सारी बतख जो हैं अब बारिश का आनंद लेने के लिए। वोट क्लब, ये वोट क्लब है, यहाँ पर आप वोट का भी आनंद ले सकते हैं। अलग अलग तरह की वोट्स यहाँ पर मौजूद हैं, किराए पे आप ले सकते हैं। बतखों को आप खिला सकते हैं, बतख देखिए इतनी खूबसूरत सफ़ेद बिल्कुल वाइट कलर की बतखें हैं, अन्य कलर भी हैं लेकिन वाइट कलर की बतख। और इस पानी का, ये जो पानी का सीज़न है, बहुत बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये वोट क्लब है, ये हॉट स्पॉट है भोपाल का, यहाँ पर काफ़ी सैलानी आते हैं, रोज़ शाम को यहाँ पर भीड़ दिखेगी और 12 महीने यहाँ पर भीड़ रहती है। बारिश की तो खैर बात ही अलग है, शाम का समय है। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग का मज़ा भी आप ले सकते हैं, आपको दिखाएंगे कैसे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं आप। वाह बतख, ये वोटिंग है यहाँ पे, मैं आपको रेट चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए इस तरफ पीछे है पैडल बोट, दो व्यक्ति 150 रुपये, मोटर बोट दो व्यक्ति 300 रुपये, तीन व्यक्ति 450, जलपरी डॉल्फिन 1940 रुपये 15 मिनट के लिए। और क्रूज़ यहाँ का अट्रैक्शन है, देखिए क्रूज़ चल रहा है, क्रूज़ आपको दिखाते हैं वो, देखिए क्रूज़ चल रहा है, क्रूज़ अट्रैक्शन है। सिर्फ 180 रुपये में आप क्रूज़ की सवारी का आनंद ले सकते हैं, बारिश में क्रूज़ बड़े तालाब के बीचों बीच, राजा भोज। ये नगरी है भोजपाल, इसको भोपाल कहते हैं, भोजपाल भी कहते हैं। और ये बारिश, अंदर ले चलते हैं वोट क्लब के, बारिश के सीज़न में अब वोट क्लब खुल चुका है। देखिए कुछ देर में सैलानियों की यहाँ पर भीड़ लग जाएगी, देखिए वाह। आराम से चलना है क्योंकि फिसलन भरी राह है, थोड़ा पानी गिर रहा है इसलिए धीरे 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 हम चलेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत बतख हैं, ये यही तो यहाँ का अट्रैक्शन है। ये क्या कह रही हैं हम सुन नहीं सकते, लेकिन जो भी कह रही हैं वो बहुत मधुर है। पानी के करीब ले चलते हैं आपको, ये धीरे धीरे पानी के बिल्कुल करीब। हाँ ये अब वोट क्लब के उस हिस्से में हम आ गए जहाँ से क्रूज वोट और वोटिंग के लिए लोग सवारी करते हैं, और ये हिस्सा बहुत अट्रैक्टिव हिस्सा है पानी के बिल्कुल करीब। ये देखिए बतख, पानी का भी आनंद, तैरने का भी आनंद और बाहर बारिश का भी आनंद, तो इनका जीवन ही जल में निकलता है, जल से इन्हें बहुत लगाव है, जल के बाहर भी जल के अंदर ही अटखेलियाँ करती हुई ये बतखें। और लोग वोटिंग का आनंद ले रहे हैं, सूरज कुछ छिपा हुआ है, कुछ निकलने की कोशिश में है, उसकी मुस्कुराहट नज़र आ रही है, जलकुंभी लहलहा रही है। तो ये
क्रूज वोट यहाँ से आप ले सकते हैं। और एक प्लेटफॉर्म है, बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म, यहीं से वोटिंग के लिए लोग निकलते हैं। बीच में आपको एक टापू दिखाई दे रहा है, इसके चारों तरफ लोग घूमकर आते हैं। और ये अब मौसम अब खूबसूरत हो चला है, शाम जैसे जैसे नज़दीक आ रही है लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। देखिए वोटिंग, ये देखिए, आओ इधर आओ, इस तरफ लाओ, बिल्कुल आओगे इधर आओ, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। कैसा लग रहा है? बढ़िया, एक नंबर। हाँ, कब से घूम रहे हो? आधा घंटा हो गया। कहाँ से आए हो? हैं? होशंगाबाद। वाह वाह, नर्मदापुरम के बच्चे हैं। स्वराज आज आएंगे ना, घर वालों को भी दिखाएंगे। मैं टीवी पे हो गया। द सिटी ऑफ लेक्स लिखा हुआ देख सकते हैं, ये शाम को रोशनी से जगमगा जाएगा। और ये पीछे का इलाका, ये एक ग्रीनरी भरा जो इलाका आप देख रहे हैं पहाड़ी जैसा, हम आपको दिखाएंगे, ये श्यामला हिल्स है। श्यामला हिल्स पर काफी वीवीआईपी रहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी श्यामला हिल्स पर रहते हैं। कई मुख्यमंत्रियों को इस श्यामला हिल्स ने देखा है, अमिताभ बच्चन की ससुराल भी इसी श्यामला हिल्स पर है। और ये काफ़ी अच्छी पहाड़ी, इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो इलाका है जहां पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय बना हुआ है, और इससे ठीक आगे वन विहार है जहां पर एक जू है, नेशनल पार्क है, रंग बिरंगी बतख। युद्धपोत शिवालिक का ये मॉडल लोगों को अट्रैक्ट करता है, ये वोट क्लब पर स्थापित किया गया है F-47। ये युद्धपोत है जिसका मॉडल हूबहू वैसा ही दिखता है, आप देखेंगे, बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव और जानकारियों से भरा हुआ। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम वोट क्लब में आप सभी पर्यटकों का हार्दिक स्वागत करता है। का आज का अगला राउंड 6:45 में रवाना होगा। जो भी पर्यटकगण क्रूज बोट लेक प्रिंसेस का आज का इस राउंड में यात्रा करना चाहेंगे, वे अपना टिकट शीघ्र ही बोट क्लब टिकट काउंटर से प्राप्त करें। क्रूज बोट लेक प्रिंसेस में हम आपको कमला पार्क, VIP, राजा भोज का यात्रा करवाएंगे, जो कि आपकी यात्रा 47 मिनट का रहेगा। आज का इस 45 मिनट यात्रा की आनंद उठाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयाज खान है। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत बारिश हो रही थी पहले, अब ठीक हो गई। क्या करोगे? अभी बोटिंग ले जा रहे हैं हम लोग। बोटिंग क्यों करना? क्या क्या घूम लिया आपने? अभी हम लोग बोट में जा रहे हैं क्रूज वाले। और क्या घूमा अभी? अभी हम लोग ने यहाँ घूमा, हम लोग ने खाया पिया। पहली बार आए हो? नहीं, पहली बार नहीं आते रहते। हाँ। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। क्या क्या अच्छा लगता? बच्चों के लिए क्या अट्रैक्शन है इधर? बोट्स में बच्चों को अच्छा लगता है घूमना। बताइए बोट क्लब के बारे में। बोट क्लब, मैं तो भाई बाहर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। अच्छा। मैं पटना से हूँ। पहली बार आएंगे? जी नहीं, पहली बार, मेरी शादी हुई है तो मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर तो बोट में आता हूँ, या सैर सपाटा जाता हूँ या यॉट क्लब आता हूँ। क्या अट्रैक्शन है ये? अच्छा है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करने का है। अच्छा, मतलब लोगों को वेट करने के लिए वेटिंग एरिया जो होता है वहाँ खड़ा गया है, अगर बोटिंग में आप जाते हैं तो पानी में भींग रहे कहीं इधर उधर, तो उसके लिए थोड़ा सा ये बस। बाकी तो ठीक, बाकी बहुत अच्छा लगता है।
पानी उनी में थोड़ा जाते हैं हम लोग तो अच्छा लगता है। ये जो गोपाल का ये खासतौर पे ये बेल्ट है जी जी, देश में आपको लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन मध्य प्रदेश। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, सुकून मिलता है। हाँ अच्छा लगता है। चलिए पांच लोग आगे, सब आगे आपके पांच, एक दो तीन आपके आठ। हॉर्स राइडिंग यहाँ का एक बेहतरीन अट्रैक्शन है, बच्चे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद करते हैं। देखिए घोड़े तैयार हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि पानी गिर रहा है इसलिए हॉर्स राइड। कब से हॉर्स राइडिंग करा रहे हो आप? मैं भैया कम से कम 20 साल से हॉर्स राइडिंग हो रही है। कितना पैसे लेते हो? 50 रुपए लेते हैं एक बच्चे का। अच्छा, बच्चे का 50। ये घोड़ा कहाँ से लाए? घोड़ा आगरे का है। अच्छा, काफ़ी बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है। फेंक तो नहीं देगा किसी? नहीं नहीं फेंकता नहीं है। अच्छा, डर चमकता तो नहीं है? नहीं नहीं चमकता नहीं है, तो सिक्योर है। हाँ, ये देखो आप घोड़े, क्या खाता है भैया ये? चना खाता है भैया। काफी बड़ा घोड़ा है ये, घोड़े पे बैठना आसान बात नहीं, लेकिन ये प्रशिक्षित घोड़े हैं इसलिए चमकते नहीं है। अच्छा अच्छा, छोटे बच्चे भी देखिए यहाँ पे सवारी के लिए, उनके लिए भी कार वगैरह इलेक्ट्रिक कार पे बैठ के घूम सकते हैं। ये चल दिए छोटे बच्चे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये बहुत अच्छी। अब बच्चों के लिए कोई कमी थोड़ी है, सब कुछ है यहाँ। यस यस, बहुत सारी छोटी छोटी कार है, रेंट पे ले सकते हैं और बच्चे घूम सकते हैं। इधर आपको बताते लेफ्ट हैंड में और बोट क्लब, सीधे जाएंगे आप मानव संग्रहालय, वन विहार। पानी थोड़ा कम हुआ है, लोगों की आवक जावक बढ़ गई है,